नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा सिंह। अब खबर सीहोर से है। देश भर में 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शिक्षकों के लिए इस खास दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस ही दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। यह दिन सभी शिक्षकों व गुरुओं के लिए खास होता है। इस दौरान देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही संघर्षशील एक शिक्षक की कहानी सुना रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक सरकारी स्कूल के नेत्रहीन शिक्षक। बच्चों को शिक्षक की रोशनी दिखा रहे हैं। दरअसल जिले के विकास खंड नसरुल्लागंज के ग्राम सिंहपुर माध्यमिक शाला शासकीय स्कूल में दिव्यांग शिक्षक हरिओम जैमनी पदस्थ हैं। वे आंखों से दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन उनके इरादे हिमाचल से भी ऊंचे हैं। हरिओम जैमनी स्कूल में सामाजिक पिछले 4 साल से यहाँ पदस्थ हैं। हरिओम जैमनी जन्म से ही नेत्रहीन हैं। उन्हें बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था और शिक्षक बनने का भी। पढ़ाई करने के बाद उन्हें सभी किताबों का ज्ञान है। बच्चों को बिना ब्रेल लिपि की मदद से पढ़ाते हैं। यहाँ के बच्चे हर साल 5वीं बोर्ड में 80 से 90% तक के अंक लाते हैं। जैमनी की रुचि ने विद्यालय के वातावरण को उत्तम शिक्षा के अनुकूल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बच्चों को स्कूल आने के बाद नियमित प्रार्थना, व्यायाम आदि के साथ पढ़ाई और फिर बागवानी की शिक्षा दी जा रही है। यह स्कूल किसी निजी विद्यालय के समान सुंदर और आकर्षक नजर आता है। स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक महेश भी बताते हैं, हरिओम जैमनी सर बच्चों को हर विषय पढ़ाते हैं। बड़े ही आसानी से वह बच्चों को पढ़ा लेते हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के जितने भी लेटर आते हैं और जो भी जन शिक्षा केंद्र से ग्रुप में जानकारी आती है उसको समझ भी लेते हैं और सुना भी लेते हैं। हरिओम जैमनी शिक्षक ने बताया, शुरुआत से ही घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई ब्लाइंड स्कूल में की, जिसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई एक एनजीओ की मदद से छात्रावास में रहते हुए भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से की। स्नातक तक पढ़ाई की है। शुरुआत से ही शिक्षक बनने का सपना था। ऐसे में राजनीतिक विज्ञान से एमए पास करने के बाद दिव्यांग कोटे के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल की। शिक्षक हरि ओम के अनुसार उनके स्कूल में 1ली से 8वीं तक के करीब 150 से अधिक बच्चे हैं। वहीं माध्यमिक में 120 बच्चे हैं। वह रोजाना 18 किलोमीटर दूर सफर बस से तय कर स्कूल पढ़ाने पहुंचते हैं। इसी के तहत यह शिक्षक की अनोखी कहानी है। सीहोर के पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। तो मैं हरिओम जैमनी हूँ। राजनीति विषय से एमए है मेरा और यहाँ वर्ग 2 में पदस्थ हूँ। सामाजिक विज्ञान मेरा मूल विषय है जिस पर मेरी पदस्थापना है और 2001 से यहाँ पदस्थ हूँ। वो मेरी पहली नियुक्ति भी वही है, 2001 की है। और मेरा एजुकेशन भोपाल और इंदौर में हुआ है और उसके बाद फिर मैं यहाँ 2001 से पदस्थ हूँ। जैसा देखने में आया कि आप कितने समय से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? लगभग 21 साल कंप्लीट कर लिए मैंने। एक तारीख को प्रभारी संस्था शासकीय माध्यमिक शाला सिंहपुर। सर जैसे ये हमारे यहाँ पिछले 21 साल से पदस्थ यहाँ पर लगभग 2001 से पदस्थ 21 साल इनको हुआ है और प्रतिदिन स्कूल आते हैं और अपने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाते हैं। ये घर से बस से आते हैं, स्टैंड से हम लोग इनको पिकअप उठा ले बुला लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं बच्चे वगैरह हम लोग जो भी। बाकी स्कूल प्रांगण में तो स्वयं से ही पूरे उसमें घूमते चलते से पढ़ते हैं।